हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर गैस पर चढ़ा दिया कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया दूध। दूध है 2.5 से 3 किलो और इसका बना रही हूँ आज मैं गाजर पाक कह लो या गाजर का हलवा। तो आज बनाने जा रही हूँ, इसके लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। यहाँ पर गाजर मैंने दो साफ कर ली हैं, 4 किलो गाजर ली हैं, इनको छील के अब घिस लेती हूँ। अब की बार मैंने बनाया नहीं है, पहली बार ही बना रही हूँ, नहीं तो सर्दियों में काफ़ी बार बन जाता है गाजर का हलवा। आज मैं पहली बार ही बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर गाजर छील ली है और यहाँ घिस लेती हूँ। यहाँ पर मैंने घिस लिए हैं सारी गाजर और दूध भी गाढ़ा हो गया है, खोआ सा निकल गया है। अब इसमें गाजर डाल दूंगी तो जल्दी गाजर पाक बन जाएगा। काफी ज्यादा गाजर घिसी हैं तो 2-3 बार करके थोड़ी थोड़ी करके इसमें डालूंगी तो धीरे धीरे ये सारी इसमें सेट हो जाएंगी। यहाँ पर 2-3 बार में करके मैंने पूरी गाजर डाल दी, इनको अच्छे से यहाँ पर मिला देती हूँ। मिलाने के बाद इसको सिम आँच पर धीरे धीरे पकने दूंगी, तो काफ़ी देर में बनता है तो बन जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पर गाजर का हलवा पकने लगा है क्योंकि अच्छा गाढ़ा हो गया है, दूध सारा खत्म हो गया है इसमें, पानी पानी सब नहीं बचा है अच्छे से। अब तो बहुत जल्दी इसमें रखी थी फ्रेश मलाई, तो वो भी मैंने डाल दी है 2 दिन की, क्योंकि और अच्छा बन जाएगा मलाई डालने से। यहाँ पर काट रही हूँ बादाम और साथ में ही इनको चलाना पड़ता है क्योंकि गाढ़ा हो गया है तो नीचे लगेगा, साथ साथ मैं इसको चलाती भी रहूँगी और बादाम भी काट लेती हूँ साथ में ही।
यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें चीनी, क्योंकि चीनी नहीं डाल ली है मैंने अब, इसमें अच्छे से पक गया है तो अब इसमें डाल देती हूँ चीनी। चीनी डालने के बाद और पकाऊंगी इसको। यहाँ पर चीनी डालने के बाद पक गया था, अब डाल देती हूँ इसमें घी। घी नहीं डालूंगी तो ये नीचे लगने लगेगा और घी से और अच्छा बन जाएगा, और सर्दियों में घी खाया भी जाएगा इसमें। हलवा अच्छे से पक के तैयार हो गया है। इसमें डाल देती हूँ काजू बादाम किशमिश, बहुत अच्छा कलर आया है इसका। ड्राई फ्रूट मिलाने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाया था मैंने, अच्छे से पक के तैयार हो गया है। अब इसको मैं बंद कर दिया है गैस को और उतार लिया है। यहाँ पर मैंने ले ली है एक थाली और एक प्लेट, इसमें दोनों में मैंने लगा लिया है घी। घी लगाने के बाद इसमें डाल के और अच्छे से फैला दूंगी, और इसको फैलाने के बाद इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी तो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद इसको चक्की टाइप में कट कर लूंगी। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं कि न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहें। आपको दिखाती हूँ कैसा जमा है। यहाँ पर मैंने थाली और प्लेट में लगाया था वो, इनको कर लेती हूँ कट। कट करने के बाद इनको
निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको कैसी बनना है गाजर का हलवा। ज़्यादा बड़े पीस नहीं काटे हैं मैंने, छोटे पीस काटे हैं, तो बच्चे जैसे एक दो खाएंगे इतने ही खाते हैं बच्चे, तो उसी हिसाब से मैंने काटे हैं। कितने अच्छे से निकली है चक्की की कली और कितना अच्छा सा बन के तैयार हो गया है गाजर का हलवा, खाने में बहुत टेस्टी बना है। गाजर का हलवा बन के तैयार हो गया, आप सब भी खा लीजिए।